देख रहे हैं आपका अपना चैनल आजाद न्यूज 24। आम आदमी पार्टी ने सुखपाल सिंह खेरा, धर्मवीर गांधी और सुचेपुर छोटेपुर के जान तो बाद जेड़ा इन्हों का ग्राउंड सी वह बिल्कुल जीरो हो गई और वो इन्होंने दिल्ली के जेड़े आका सी उन्होंने एक मुन्नी बाई भेजी है। मुन्नी बाई सर की कौन? मुन्नी बाई हाँ, मुन्नी बाई जी गगन मान। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की। अच्छा, और ये इन्हें सिखा दे दिया पग्गां और साडे मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब दे उत्ते जो इन्हें बहुत ही गलत शब्दावली वरती है वह पंजाब की कांग्रेस और पंजाब के 3 करोड़ लोग, क्योंकि साडे मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब के किसानां दे, पंजाब के मजदूरां दे, पंजाब के व्यापारियों के लोकप्रिय नेता हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जड़ी आपां चाहे बलिदान दे दी गल कर रही है या देश दे ले लड़ाई या देश की तरक्की लई हमेशा कांग्रेस पार्टी ने योगदान पाया और हमेशा भाईचारक सांझ बना के रखने की कोशिश की। लेकिन अनमोल गगन मान ने जो सिखां दे और मुख्यमंत्री पंजाब दे उत्ते जो पग्गां दे उत्ते बयान दिते असीं इहदी निंदा करदे हां और उहनूं ताड़ना करदे हां कि अगे तो अजिहा बयान ना दवे जिहदे नाल पंजाब का माहौल खराब होवे। इस संबंध विच असीं कमिश्नर जलंधर अज कंप्लेंट भी दे रहे हैं और उत्ते परचा दर्ज करने की जो मांग भी करते हैं और इस तो अलावा जिहड़ा इन्हां दा मेन मुद्दा जो किसानां दा अज मुद्दा चल रहा है किसान साडे सड़कां ते रेलां अपना सड़कां ते रेलां ते और जिहड़े टोल बैरियर ते बैठे है दिन रात अज मेरे ख्याल तकरीबन 2 महीने भी होने वाले है। ये लोग उन्हों का जो ध्यान भटकाने लिए पंजाब नूं पुठे पासे तोड़ रहे ताकि पंजाब दे विच जिहड़े साडे हिंदू वीर सिख और मुसलमान और सिख भाईचारक सांझ नूं एक सट पजाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही जिहड़ा ये कोशिश रही है कि पंजाब ते पंजाबीयत नूं संभाल के रखा जाए। ये अज पार्टी जिहड़ी है आम आदमी पार्टी एक फेसबुक पार्टी बन के रह गई है जो अपने दिल्ली बैठे आका जिहड़े है उन्हां दी गल ही करदी है लेकिन इन्हां नूं आपसी अपनी कोई समझ नहीं है। ये मेरे ख्याल नाल इन्हां ने जो गगन मान नूं अगे कीता भगवंत मान नूं जीरो करन दी कोशिश की इन्हां ने, लेकिन इन्हां दा पार्टी का अंदरूनी मसला सी इहदे विच कोई दखल नहीं दिंदे। लेकिन मैं अनमोल गगन मान नूं एक गल कहांगा, सिखां दी पगड़ी दे उत्ते या मुख्यमंत्री दे खिलाफ गलत बोलन तों पहलां तूं चुन्नी लैणी जरूर सिख लै। किसी नूं आपां जो धार्मिक एक भावना नूं अज इहनां भटकाउण दी कोशिश की है और पहला भी इलैक्शनां दे विच इहनां ने साडे NRI वीरां तों करोड़ां रुपया लुट के पंजाब दे लोकां नूं गुमराह किया, लेकिन अज पंजाब दे लोक जागरूक हो चुके हन, वो कम करन नूं तरजीह दिंदे हन ना कि आपां फोकी जिहड़ी आपां शोहरत खट्टण दे लई ये जो इन्हें वीडियो पाई है असीं इहदी गलत वीडियो की बहुत निंदा करदे हां। गगन मान ने कहड़े इदां दे शब्द यूज किए जिन्होंने आपां नूं सारे नूं इन्ना ठेस पहुंची? गगन मान ने यह कहा कि एडिया पग्गां बन के एडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे आ, एडी वड्डियां कुर्सियां ते बैठे आ, लेकिन ये काम करन नूं तरजीह नहीं दिंदे और बहुत ही गलत शब्दावली राजनीति करन, लेकिन विच पग दा कोई की मतलब है? असीं फिर इहनूं ते कताड़ना करांगे जे इन्हां ने अपनी भाषा ना बदली ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਮਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਬੈਕ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? FIR ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਪਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਊ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੋ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੂਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।